प्रदेश में अवैध खनन को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार अवैध खनन के खिलाफ गंभीर है। अवैध खनन पर कार्रवाई के लिए चेक बैरियर बनाए जा रहे हैं। ऊना में 5 और सिरमौर में 1 चेक बैरियर बनाया गया है, जिन्हें जल्द शुरू किया जाएगा। बाली जी के कहने पर खनन थोड़ा बढ़ जाएगा। जमीन के ऊपर जाके देखें, आज सभी लोग वहां देखें कि खनन की क्या स्थिति है। आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार पहली ऐसी सरकार है जिस सरकार ने स्टेट्स के अपने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इन सारी चीजों को चेक करने के लिए चेक बैरियर्स का काम जो है वो शुरू करवाया है। 5 बैरियर्स जो हैं वो ऊना के अंदर तैयार हो गए हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के अंदर तैयार हो गया है, बड़ी जल्दी उसकी इनॉग्रेशन होगी। ये इसीलिए किया गया है कि इल्लीगल माइनिंग के ऊपर शिकंजा कसा जाए। और उसके साथ जो आपने सीमेंट वाला विषय कहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सीमेंट के रेट बढ़ते हैं उस समय सरकार के ऊपर बात आती है, लेकिन आपके ध्यान में ये विषय रहे कि सीमेंट के दामों को नियंत्रित करने का सरकार के पास किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। वो ये जिनका सीमेंट के जो मालिक हैं वही इस व्यवस्था को करते हैं, लेकिन हमने एक कोशिश की है। हम इसके ऊपर कानूनी तौर पर क्या कर सकते हैं, क्या कोई लेजिस्लेटिव लाया जा सकता है, कोई कानून बनाया जा सकता है? और उसके साथ साथ जो सीमेंट सरकारी तौर पे आता है, जिसका रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो बोरी सस्ती मिलती है बाजार में, जो आम व्यक्ति को मिलती है उससे 100-150 रुपया कम रेट की जो वो बोरी, वो रेट कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम बोलते हैं, हम ये भी सोच रहे हैं कि आम व्यक्ति को, हिमाचल प्रदेश के व्यक्ति को उस रेट कॉन्ट्रैक्ट के साथ किस प्रकार से जोड़ा जाए। लेजिस्लेटिवली हम लोग काम कर रहे हैं, मुझे लगता है उसमें हमें सफलता मिलेगी, तब इन चीजों को हम रोक पाएंगे। मिल पा रहा है, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, हम उस व्यवस्था को बनाने में लगे हैं। समस्याएं ऐसी आई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन केवल और केवल हम ये बोले कि टांडा के अंदर ओनली डेपुटेशन पर ही डॉक्टर्स हैं, ये बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। जो बड़े हॉस्पिटल हैं उनमें टांडा का नाम आता है, हमने कोशिश की है कि उसको स्ट्रेंथन किया जाए। और आपको इस बात के बारे में, क्योंकि उसका अगर हम प्रैक्टिकल देखते हैं, चंबा की तरफ से, कांगड़ा की तरफ से सबसे ज्यादा जो लोगों की मरीजों का जो आने का क्रम है वो टांडा के लिए रहता है। ये टांडा के लिए इसीलिए रहता है कि वहां पे लोगों को राहत मिलती है। हेल्थ विभाग है, इसमें कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी समस्याएं चली रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे का पूरा सिस्टम जो है वहां पे बिगड़ गया है। हाँ ठीक है, कांग्रेस के मित्रों ने कोई बात तो करनी है, इसलिए वो बात करने के लिए इस प्रकार की बातें करते आए हैं। हमने उन लोगों के अगेंस्ट FIR लॉन्च की है और उनको 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 सजा मिली है, लेकिन इन दिनों के अंदर कोई इस प्रकार का की व्यवस्था में मेरे को नहीं ध्यान किया। आप कौन कहां के विषय की बात कर रहे हैं? पीछे नाहन, कई बार नाहन के अंदर कोई, वो नाहन में एक्सीडेंट हुआ है, वो कुछ मारा नहीं है उनको, वो तो एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी के नीचे आ गया वो लड़का, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कहीं जहां ऐसी समस्या आती है वहां पर हम उसके लिए पूरा उनको प्रोटेक्ट करते हैं और पुलिस प्रोटेक्शन अलग से देते हैं और कानून के दायरे में रहकर उनके साथ कानूनी कार्रवाई भी करवाते हैं। सर, KCC बैंक के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चुनाव हाल ही में संपन्न हुए हैं, आप प्रभारी भी रहे हैं उनके, तो ऐसे में अब नए चेयरमैन को लेकर के किस तरह की सरकार के पास रणनीति, क्या इलेक्टेड को जो है वो नया चेयरमैन नियुक्त किया जाएगा या फिर पुरानी व्यवस्था को कायम रखा है? सरकार इसके बारे में फैसला लेगी। उद्योग मंत्री ने कहा कि सीमेंट के दाम बढ़ने पर सरकार पर बात आती है, जबकि सीमेंट रेट नियंत्रण की सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार ये देख रही है कि कानूनी तौर पर इस बारे में क्या किया जा सकता है। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि जो सीमेंट सरकारी तौर पर आता है उसका रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये सीमेंट बाजार से 100 या 150 रुपए कम मिलता है। ये विचार किया जा रहा है कि आम आदमी को उस रेट कॉन्ट्रैक्ट से किस तरह जोड़ा जाए। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि बेरोजगारों के लिए शुरू किए गए पोर्टल पर 14,000 के लगभग लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए जब उद्योगपतियों से बात की गई तो बहुत कम लोग इंटरव्यू देने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि जो लोग बाहरी राज्यों से नौकरी छोड़कर आए थे वे वापस लौट गए हों। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो भी उद्योग आ रहे हैं उनमें रोजगार के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने वालों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा कि जिन राज्यों से परमिशन मिली है उन राज्यों के लिए परिवहन सेवा चलाई जा रही है। दिल्ली सरकार ने फेस्टिवल सीजन को जोड़कर बसों की व्यवस्था करने की बात कही है। ऐसे में दिल्ली से परमिशन मिलने पर दिल्ली के लिए भी बस सेवाएं शुरू की जाएंगी।
एक तो धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ मिलना, यहाँ की जो इन्होंने कार्यकारिणी बनाई है उसके लोगों के साथ बातचीत करना, और लंबे समय से ये मन में था कि कार्यकर्ताओं के साथ बैठना है। आज हम कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हैं, खूब बातें हुई हैं आपस में, कुछ इनके प्रॉब्लम्स थी उनके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की है। यहाँ तक अधिकारियों का विषय है, मेरे पास जो विभाग है परिवहन विभाग, उस अधिकारियों के साथ कुछ फीडबैक लेनी थी कि किस प्रकार से RTOs काम कर रहे हैं, किस प्रकार से RM काम कर रहे हैं, उन सारी बातों के बारे में रिव्यू था, तो वो आज हमने रिव्यू यहाँ पे लिया है। इंटरस्टेट हमने शुरू कर दिया है, यहाँ पे स्टेट्स मान गई हैं, जहाँ पे जिन स्टेट्स ने परमिशन दे दी है वहाँ पे बसेस चल रही हैं। लेकिन अभी दिल्ली में जो प्रॉब्लम है, दिल्ली वालों ने हमें परमिशन नहीं दी है, लेकिन उन्होंने बोला है कि त्योहारों के साथ जोड़ते हुए हम उन सारी चीज़ों को ठीक करेंगे, तो जब भी वहाँ से परमिशन आती है तो हम वहाँ पे उस काम में लगेंगे, करेंगे उसको। के समय में बहुत से लोग प्रदेश में वापस आए थे, इसको देखते हुए हम लोगों ने ये शुरुआत की थी कि एक पोर्टल के माध्यम से जो लोग यहाँ वापस आए हैं वो उसके ऊपर अपने नाम रजिस्टर्ड कराएं, और नाम रजिस्टर्ड कराने के बाद वो जहाँ जहाँ वो काम करना चाहते हैं, हमने एम्प्लॉयर्स को भी बोला, जो जो फैक्ट्रियों के मालिक हैं उनसे भी हमारी ये बात हुई कि भैया जो नाम हमारे पास आए हैं अगर आपको इनमें जो योग्य व्यक्ति लगते हैं जिनकी आपको जरूरत है तो उनको लिया जा सकता है। 14,000 के करीब लोगों ने उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाई थी, और जितने भी लोगों को फैक्ट्रियों के अंदर नौकरियों के लिए बुलाया गया उनमें से बहुत कम लोगों ने ज्वाइनिंग की। उसके एक दो कारण रहे हैं, शायद कहीं पर उनको जो सैलरी के साथ नेगोशिएशन जो है वो ठीक ना हुई हो, और कहीं ना कहीं वो लोग वापस भी जहाँ जहाँ वो काम कर रहे थे वहाँ चले गए हैं। हमने लगातार उसको एडवर्टाइज किया है, लेकिन ये संख्या मैं आपको बता रहा हूँ 14,000 के करीब संख्या उस पर हुई है, और अभी भी हम इस कोशिश में हैं कि जितने भी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के सब में इंडस्ट्री आई है वहाँ पर उन लोगों को इंटरव्यूज के लिए प्रेफरेंस दिया जा रहा है और बुलाया जा रहा है।